अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है इमरान और आज मैं आपके लिए एक नई बाइक की वीडियो लेके आया हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त भाई मौजूद हैं, इनका नाम है शहाब। शहाब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, ये आपकी बाइक हमने खबर पहुँची कि आप चला रहे हैं, हमारा दिल किया कि लोगों को भी बताएं इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे डिसीजन बना। तो शुरू से शुरू करते हैं, आपका शुरू से बाइकिंग करियर था, आप बाइकिंग करते आ रहे हैं, ये आपका पहला बाइक है? नहीं जी, ये एक्चुअली मेरा पहला बाइक है और मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था, नवंबर लास्ट ईयर 2022 में। सो दिस इज़ BMW R18 क्लासिक। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिस इज़ द ओनली बाइक विच BMW मेक्स विद 1800 cc, राइट? जी, दिस इज़ द ओनली बाइक, दिस इज़ द ओनली बाइक एंड दिस इज़ द R18 क्लासिक में दिस इज़ द ओनली कलर जो कि पाकिस्तान में है। अच्छा, दिस इज़ द ओनली कलर इन दिस कलर R18 क्लासिक। एक सिंपल है विदाउट द बैग्स और वो। ओह, वेरी गुड। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ये बताएं, इस बाइक में वेरिएंट्स कितने आते हैं? क्योंकि हमारा एक जो है ना पुराना सवाल है, मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है। हाँ, तो मेक और मॉडल तो हो गया, वेरिएंट सर ये कौन सा, इसमें कितने वेरिएंट? इसमें चार आते हैं जी। ये क्लासिक है, इसमें एक प्योर आता है, सो प्योर इज़ बेसिकली विदाउट द बैग्स और वो सारा कुछ। फिर एक बैगर है और एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। तो सबसे टॉप लाइन वेरिएंट कौन सा? ट्रांसकॉन्टिनेंटल। उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है? उसके अंदर वो स्पीकर्स है, वो प्रॉपर पिछली बैक सीट के, वो सोफ़ा सीट टाइप का एक वो सीट होती है। अच्छा। और बिल्ट इन मार्शल के स्पीकर्स होते हैं, वो गोल्ड विंग टाइप का। गोल्ड विंग टाइप का, बिल्कुल। फिर इसके अंदर जो 6-speed गियर बॉक्स है इसका, ये क्विक शिफ्टर के साथ है या ये मैनुअल शिफ्ट है? नहीं, ये जो है ये मैनुअल शिफ्ट है, नॉर्मल जो क्लच के साथ होता है, जो 1250 और वो बाकी जो इनके आते हैं ट्रेल बाइक्स वो क्विक शिफ्ट। और इसमें बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं कि वो भी नहीं हो सकता? नहीं, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ BMW। तो फॉर श्योर इसमें सब कुछ जो है ना वो ऐसे तो नहीं होगा, ऑप्शनल एक्स्ट्रा तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल हैं जी इसके अंदर। तो वो ज़रा कुछ बताएंगे कि क्या क्या ऑप्शनल एक्स्ट्रा है इसके अंदर? एक ऑप्शन 719 BMW उसको रेफर करता है, 719। उसमें ये मिरर्स जो ब्लैक आउट मिरर्स हैं, ये वाले? हाँ जी, ये वाले इंजन के कवर्स हैं। ठीक हो गया इसका। और अच्छा, ये जो सिल्वर वाले इंजन कवर्स लगे हैं ये? हाँ जी। और पीछे जो ये ओरिजिनल जो है ये आता है उसके साथ, सॉफ्ट टेल एग्जॉस्ट के साथ। अच्छा, मैं अभी ये पूछने वाला था कि ये जो है ना स्टॉक एग्जॉस्ट लगे हुए हैं या ये आफ्टर मार्केट है? ये हैं स्टॉक एग्जॉस्ट, मगर इनका साउंड ऑलरेडी इतना अच्छा है तो आफ्टर मार्केट की ऐसा जरूरत महसूस मैंने नहीं की। और ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा है ये? जी, ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा। अच्छा, ये एग्जॉस्ट सॉफ्ट टेल आते हैं, वो सॉफ्ट टेल आते हैं। फिर आपने दो तो ऑप्शनल एक्स्ट्रास बता दिए, एक ये मिरर्स के हो गए, इंजन कवर्स हो गए, इसके एग्जॉस्ट हो गए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं है इसमें? एक्चुअली जो ये पिन स्ट्राइपिंग है ना जी, ये भी बाय हैंड होती हैं, ये वाली? हाँ जी, ये बाय हैंड है जी, ये बाय हैंड है, ये उसके टैंक के ऊपर और इधर पीछे। अच्छा, इसकी मुझे चेन, ये चेन ड्रिवन है या शाफ्ट ड्रिवन? ये शाफ्ट ड्रिवन है, शाफ्ट ड्रिवन। सो दिस इज शाफ्ट ड्रिवन। ये BMW का एक वो स्टैंडर्ड जो है ना उसका, मतलब वन ऑफ द समथिंग्स दे आर प्राउड ऑफ इज अ शाफ्ट शाफ्ट ड्रिवन बाइक। अच्छा सर, ये कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका अभी तक किसके साथ? अमेजिंग, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बाइक। वन ऑफ द रीजंस आई ऑप्टेड फॉर दिस बाइक वाज कि एक तो ये ब्रांड न्यू था, बिल्कुल, इट इज़ अंडर वारंटी फ्रॉम मोटरार्ड फॉर 3 ईयर्स यहाँ पाकिस्तान BMW के अंदर। हाँ जी, सारी सर्विसेज ये दे रहे हैं, एवरीथिंग। सर, इसकी वारंटी क्या क्या कवर करती है? वारंटी कवर्स एवरीथिंग जी फॉर 3 ईयर्स, और उस वारंटी के अंदर आपको कोई भी, हमें 2-3 दफ़ा यहाँ पर मैं ला के ऑयल चेंज और जो भी अगर प्रॉब्लम आ जाए, अपडेट्स आ जाती हैं इन बाइक्स के अंदर, जिस तरह गाड़ियों में आती हैं तो इनमें भी अपडेट्स आती हैं, वो सारी जो है वो हमें BMW से सपोर्ट मिलती है। और दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर आप देखेंगे कि लोग कहते हैं शायद हार्ली इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट हार्ली हमेशा यूज्ड मिलता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल यही था कि व्हाई BMW, व्हाई नॉट हार्ली? वन ऑफ द मेन रीजंस वाज इट वाज अ अंडर वारंटी बाइक, और दूसरा दिस इज़ एन मच बेटर मशीन कंपेयर टू हार्ली इन माय ओपिनियन, अगेन पीपल विल, और इसकी वाइब्रेशन बहुत कम है कंपेयर टू हार्ली। अच्छा, एक सवाल और, जो इस तरह के ये क्रूजर बाइक्स होते हैं, मैंने सुना है कि गर्म बहुत जल्दी होते हैं, क्या इनके ऊपर बैठ के गर्मी बहुत लगती है? सो द हार्ली कम्स इन अ वी शेप आपका, और ये बॉक्सर इंजन जो है, सो इसकी जो एयर फ्लो और वो आपकी जो जब आप राइड कर रहे होते हैं तो इट्स मच मोर कम्फर्टेबल एज कम्पेयर टू द अदर V-rods वगैरह जो है ना, तो उससे ये है। अच्छा, इसकी जो यहाँ पे आपने बाइक लिया, ये मेंटेनेंस भी कवर करते हैं? क्योंकि बिल्कुल करते हैं जी,
ये पेड मेंटेनेंस का भी ऑप्शन दे रहे हैं लोग? नहीं, पेड मतलब प्री पेड नहीं होती, मगर वंस यू कम इन तो दे हैव एवरीथिंग। बाहर तो अब ये वो ऑप्शन आते हैं ना प्री पेड, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। अच्छा, इसका ये जो टैंक है ये मेरे ख्याल से 16 लीटर इसमें पेट्रोल भी आ गया। हाँ जी। और पावर फिगर्स कोई आपने इसके देखे? सो दिस इज 1802 सीसी टू बी एग्जैक्ट, 91 हॉर्स पावर है और 158 न्यूटन मीटर। It is and it's a very heavy bike. I still remember मैंने H2 एक ट्यून कराया था, उसकी 110 न्यूटन मीटर्स पे जाकर जो है ना वो मतलब वो पीक पावर थी उसकी। हाँ, बट दिस इज़ उसके लिए इट्स अ वेरी, अगर आप कंपैरिजन करें किसी स्पोर्ट्स बाइक के साथ तो दिस इज़ अ वेरी हैवी बाइक ऑल्सो। ये अराउंड 380 kg इसका वेट। अच्छा, इसको भी आपने लाहौर ही में चलाया या जी, जी, बाहर नहीं लेके? लाहौर में ही चलाया। अभी कोई ट्रिप का प्लान नहीं? नहीं अभी बिल्कुल, मौसम भी थोड़ा सा बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप अपनी परचेज से मतलब कि बहुत खुश हैं? मैं अपनी परचेज से इतना खुश हूँ कि आई एम गोइंग टू बाय अनदर वन फ्रॉम BMW इंशाल्लाह। अच्छा, प्राइस पॉइंट के ऊपर तो हम आ जाते हैं कि कितने की कॉस्ट करती है सर ये? अब जो है ये कॉस्ट करेगी तकरीबन 19 मिलियन की। 19 मिलियन नहीं आएगी विद ऑल द एक्सचेंज रेट और वो सारा कुछ, मुझे ये तकरीबन पड़ी थी 15 मिलियन के आसपास। इट्स अ लॉट फॉर अ बाइक लाइक दिस, यू कैन से फॉर ऑल इट्स अ लॉट। तो लेजी पार्क व्हीलर्स, ये था आपके लिए आज का रिव्यू, एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप ये बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ लगे लिंक के ऊपर क्लिक करें, पार्क व्हील्स के ऐप के ऊपर ये बाइक फॉर सेल मौजूद है, आप डायरेक्ट बायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।